मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कही जाने वाली मां नर्मदा के अनंत भक्तों को आपने परिक्रमा करते हुए देखा होगा, मगर हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवा रहे हैं जिनके पास मां नर्मदा के प्रति अटूट आस्था और भक्ति है। आपको बता दें कि बाबा बालक दास बैसाखी के सहारे ही मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा बड़वानी जिले के मूलभूत निवासी हैं और जिन्होंने ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ की है, वही परिक्रमा के दौरान बाबा बालक दास आज डिंडोरी के शाहपुरा पहुंचे हैं, जहां पर बाबा ने बताया कि मैंने देखा है कि दूसरे प्रदेश से बूढ़े वृद्ध लोग मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी परिक्रमा करूं। और बस बाबा यही देखकर परिक्रमा करने का सिद्धांत बना लिया और परिक्रमा पर निकल पड़े। और बाबा बचपन से ही एक पैर से दिव्यांग है, लेकिन इस परिक्रमा में उनकी दिव्यांगता आड़े नहीं आ रही है। बाबा ने बताया है कि उन्हें परिक्रमा के दौरान कोई कष्ट नहीं होता। वे रोजाना 5 से 6 किलोमीटर का सफर करते हैं। बाबा के घर में उनके अलावा माता पिता, एक भाई भी है और साथ में जो खेती किसानी का काम करते हैं। माता जी के हुए हैं, नर्मदा जी के आशीर्वाद से सेंडवा तहसील का हूँ। बड़ी विजयासन माता का मंदिर है और बड़वानी जिला पड़ता है। फिर वहाँ से फिर महाराष्ट्र वाले भी चला करते, उनको देख के मैंने सोचा कि चलो भाई अपन भी चलते हैं। महाराष्ट्र वाले बहुत सारे चलते हैं दशहरे बाद, माता ये भी अकेले अकेले चलते हैं, सभी बुड्ढे बाड्ढे। तो वहाँ से ओंकारेश्वर से मैंने भी चला है, तो कहीं ज़्यादा दूर पड़ता है तो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और बाकी 6-7 किलोमीटर चलता रहता हूँ दिन भर में। मैया के आशीर्वाद से कोई परेशानी नहीं होती है, जगह जगह सेवा भी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और उसके बाद बैग भी आपके उसमें पीठ में देखा गया है। बैग पीछे टांग लेता हूँ और चलता रहता हूँ, इसमें आदत पड़ गई मेरी चलने की, कोई वजन वजन ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है, बाकी सब अच्छा है। माता जी के आशीर्वाद से आगे भी अच्छा हो जाएगा। नर्मदे हर। क्या नाम लिखते हैं महाराज जी? बालक दास लिखता हूँ मैं जी। लगभग कितनी परिक्रमा हो गई आपके? मेरी दूसरी चल रही है। पहले भी कर चुके हैं? पहले भी किया हूँ। घर में और कौन कौन? माता पिता भाई सभी हैं। क्या करते हैं हम? खेती बाड़ी करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शाहपुरा से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।